आप अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप ऐसे अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला व्याकुल आसन नहीं आप समझ लीजिए कौन पूछेगा इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं हुई है। अध्यक्ष जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि व्याकुल नहीं हुई है। इससे प्रतीत होता है कि जनता के सवालों से वो भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए खुद व्याकुलता में उन्होंने इतना घटिया बयान दिया और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। और मैं यही कहना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से कि मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष जी से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। तार तार कर दिया। आसन एक न्याय होता है, न्यायालय होता है, और उस न्यायालय को आप कहते हैं कि आप व्याकुल मत होइए। इस तरह का आसन, सभी भाषा, इस तरह का आदेश, इस तरह का डिक्टेट करना आसन को, कहाँ का नियमावली में लिखा हुआ, किस नियमावली में लिखा हुआ? इससे सर्वनाक विधानसभा के अध्यक्ष के साथ माहौल क्या बनाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा? कौन किया ये? कौन किया रिंदलाल जी? कौन कितने किया है? विपक्ष जितना निंदा करता है कितना निंदा करेगा वो कम पड़ेगा। ठीक, जो आज अध्यक्ष महोदय के साथ हुआ ठीक तो कभी नहीं होना चाहिए था। हम चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ऐसे ऐसे मंत्री के ऊपर कार्रवाई किया जाए ताकि न सत्ता पक्ष न विपक्ष कभी इस तरह का शब्द का पुनरावृत्ति ना करे। ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा। ऑनलाइन है, पता कर लीजिए आप। इसका भी नहीं है, एकदम ऑनलाइन है। ऑनलाइन 16 में से 14 अध्यक्ष महोदय जानकारी आप पता कीजिए। एक मिनट, अभी तक नहीं मिला है। 14 में 16 आपका जवाब ऑनलाइन है, ये मैं बता रहा हूँ। 16 में 14 सॉरी। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 11 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो आया होगा। अपने विभाग में थोड़ा ठीक समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं चलता होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर नहीं सकते जा सकता है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला व्याकुल आसन नहीं आप समझ लीजिए कौन पूछेगा इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं हुई है। सदन स्थगित की जाती है। इस पूरे घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी निंदा जताई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष और मंत्री सदन में आए दिन गरिमा को लांघ रहे हैं, ये सदन की गरिमा को तार तार कर रहे हैं।